यार अब पता है सच में क्या मन कर रहा है, निकल लो भाई, लिए और निकल लो, सामान वामान है नहीं है फिर भी निकल लो। ओके गाइस, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज राइड पे जा रहे हैं श्वेतांग भैया के साथ और उनके एक फ्रेंड है उनके साथ। हम तीन लोग होंगे और हमारे पास तीन बाइक्स होंगी। अभी फ़िलहाल बज रहा है सुबह के 8:03। अपन को 8 बजे कलेक्ट होना था बालसंस पे, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 मिनट लेट अभी हो गया हूँ, पहुँचने में 5 मिनट और शायद लगे। अच्छा, वेदर रिपोर्ट ये है कि कल रात में बारिश हुई थी, ऑलमोस्ट 12-1 बजे से हुई थी बारिश, 2-3 घंटे लगातार बारिश हुई। शिल्पी भी बता रही थी मेरे को सुबह अभी उठ करके कि भाई रात भर तो बारिश हुई है, देख लो जाना है कि नहीं जाना। लेकिन अपन तो अपन है, अपन जो प्लान बन गया अपन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एट प्रेजेंट नहीं हो रही है बारिश, इसीलिए ये हुआ कि चलो कंटिन्यू करते हैं प्लान को, कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं है। निकलते हैं रोड पे, जिप जैप जूम, कहां तक जाएंगे किधर जाएंगे अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी पहले कलेक्ट होते हैं एक साथ, फिर डिसाइड करते हैं कि कहां जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, क्या करेंगे। तो ऑल यू गाइस जस्ट एंजॉय द शो। सुबह सुबह क्या मस्त फील आ रही है, धूप हल्की हल्की सी निकल रही है, वेदर इज ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर राइड टुडे। कुछ लोग हमें दिख रहे हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए और वो हमें कह रहे होंगे क्या बाइक से चल रहा है, वॉक करनी चाहिए, रन करना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि भैया बाइकिंग करनी चाहिए सुबह सुबह उठ के। देखो कुछ लोग और मिल गए मॉर्निंग वॉक वाले, रनिंग वाले, जॉगिंग वाले। अरे 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 अरे, कीचड़ 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 कीचड़, यहाँ कैसे कीचड़, राइड की शुरुआत में ही कीचड़। लो भैया बालसंस तो आ गए, बालसंस भैया बालसंस, वी आर हियर। अच्छा अब भैया लोग कहाँ हैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं उठ तो 7 बजे से गया था, 6:30 बजे से उठा हुआ था, लेकिन फिर जब एक्स्ट्रा जल्दी उठ जाओ ना तो टाइम वेस्ट होने लगता है इधर उधर। बाइक को लगा देते हैं थोड़ा साइड में। हाँ तो भैया दो बाइक्स आ गई हैं, दिस इज यामाहा RD 350 और थर्ड राइडर साहब भी आ रहे हैं हमारे, ही इज ऑन द वे। एंड आज का मौसम इज ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर राइड, जैसा कि मैं कह रहा था ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर राइड टुडे। अपने सेकेंड राइडर भी आ गए हैं, ही इज ऑन आरी मैकिज्मो, और हम लोग निकल रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे करके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ आई गेस मैं सही जा रहा हूँ। यार ये शहर के ट्रैफिक से थोड़ा बाहर निकले, शहर में चलाने में अपनी इस बाइक को थोड़ी दिक्कत तो होती है। यार भैया की बाइक तो तगड़ा, मतलब एकदम जूई जूई निकल रही है। अभी तो एक्साइटमेंट शुरू होगी, अभी तो पार्टी शुरू होगी। अपने को शायद फ्लावर पे चढ़ाना है राइट, लेकिन नहीं चढ़ सकते, कोई नहीं नीचे से चलेंगे। ओ भाई साहब गंदा जाम, बाप रे भीषण ट्रैफिक। बाप रे गंदा रश, बहुत गंदा रश। अच्छा हम लोग फ्लाईओवर से नहीं आए। ओ दिस इज आरी मैकिज्मो मैन, टू गुड। दीज बाइक्स हैव अ फील, ठीक है अपनी नई बाइकें भी आजकल के टाइम की हैं, ठीक है इट्स गुड, लेकिन यार उन सब बाइकों की मैकिज्मो वगैरह की यार जो फील है, लाइक RD 350 ट्विन ब्रो, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग क्या, मतलब कितना इंटू हो बाइकिंग में, नहीं हो क्या हो, बट यार उसकी जो जिप जैप जूम चीज़ है ना डुअल सिलेंडर की वजह से, काबिले तारीफ। चलाई तो नहीं मैंने कभी, लेकिन उसको देख के पता चलता है यार इतनी क्रिस्प तरीके से वो आगे निकलती है। थोड़े से सिक्योरिटी फीचर्स उसमें अगर आज के टाइम के लग जाएँ किसी भी तरह, जैसे कि ABS वगैरह और आगे पीछे दोनों, वी नीड ABS ऑन बोथ टायर्स बाइकर्स, आई माइंड यू, बिना ABS के तो कोई मतलब ही नहीं है बॉस। शास्त्री ब्रिज पे आ गए हम लोग। अभी जब हम लोग कुछ लास्ट वीकेंड वहाँ जा रहे थे
तपस्थली, तब भी इसी ब्रिज से गए थे। क्वाइट अ नाइस नज़ारा। ओके, सो जो अपकमिंग चौराहा है दैट इज आई गेस अंधावा। नो, दिस इज नॉट अंधावा, आगे आगे वाला है, आगे वाला है। राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती गलती, ये नहीं है बॉस, आगे वाला। ओके, सो हेयर कम्स दी अंधावा मोड़, और अपने को इधर से लेफ्ट टर्न होना है, क्योंकि अगर सीधे निकल जाएंगे तो बनारस वाला रूट आ जाएगा, हमने उधर जाना नहीं है, क्योंकि आगे ना ट्रैफिक सा मिलता है। तो हमने ये रूट डिसाइड किया, ये थोड़ा कम ट्रैफिक वाला है, क्योंकि हमें तो बस बाइकें दौड़ानी है और कुछ करना तो ऐसा सच है नहीं, तो बस बाइकें दौड़ाएंगे, मज़े करेंगे। सोच रहे हैं लौटते समय यजदी के शोरूम जाके यजदी ट्राई करते हैं चलाने को। कभी भी एकदम बगल बगल नहीं चलाना चाहिए, कोई भी हो आपका दोस्त हो, यार हो, दुश्मन हो, उसके भी बगल में नहीं चलाना चाहिए बॉस, क्योंकि उसमें आपका भी नुकसान है और बगल वाले का भी नुकसान है, भिड़ गए ना दोनों आपस में, या कुछ भी हो सकता है मैन, बगल बगल नहीं चलाना चाहिए। और मैं किस्मो का थोड़ा सा आपको क्लोजर लुक देता हूँ। हाँ, लुक एट दिस ब्यूटी। थोड़ा दूर ही चलूँगा मैं, बट लुक एट दैट ब्यूटी मैन, माई गॉड, क्रोम बहुत शानदार लग रहा है यार, बहुत शानदार क्रोम है, बहुत शानदार। सो वी हैव रीच्ड सहसो चौराहा, सहसो। ओके, अब यहाँ से किधर चलते हैं भैया, टुक द लीड हमें डायरेक्शंस बताने के लिए, अपने को तो बस फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं भाई आज, अपने को कोई भड़क नहीं लेनी किधर जाने का किधर नहीं जाने का, अपने को सिर्फ फुटस्टेप्स फॉलो करना है आज, विच इज़ एट टाइम्स गुड। देखो यहाँ पे सूर्य देवता का मंदिर है, ये बहुत शानदार मंदिर है। यहाँ आप देखो ये जो मूर्ति अगर आपको दिख रही हो तो, कैमरे में अगर सही से कैप्चर हुआ हो तो, धूप आ गई बहुत, सबसे अच्छा तो यही है, मैंने बोला था ना इट्स अ परफेक्ट डे फॉर राइड, धूप भी आ गई, मज़ा भी आ रहा है, एंड एवरीथिंग सो गुड, everything's so good। okay, तो हम बनारस वाला हाईवे ले रहे हैं। oh my god, this is so good, this is so good, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, यही तो बाइक भाग पाएगी भाई, मतलब सोचो इस रोड पे आने के लिए हम लोगों ने कितना कुछ किया, पूरा शहर क्रॉस किया, भीड़ भाड़ वाला इलाका क्रॉस किया सिर्फ इस रोड पे आने के लिए, बताओ भला कितना पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है। लेकिन आज हमारे नीचे पैशन नहीं है, हमारे नीचे हिमालयन है, इसीलिए हमारे अंदर पैशन है। पार्टी 350 हैज द पावर, भैया मुझे ओवरटेक करते हुए निकले अभी, यार गजब का पावर पंच मिला होगा भाई उन्हें, एकदम ऐसे जुई नाइस, बहुत प्यारे नज़ारे, बहुत प्यारे नज़ारे, अभी रुकता हूँ यहाँ पे, ड्रोन शॉट्स लेते हैं, बहुत प्यारे नज़ारे मिलेंगे। मेरे ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ कैलिब्रेशन बता रहा है, दो बार इसको ट्राई किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, एक जगह रुक के हुए हैं हम लोग, धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब इट्स अ वेरी गुड डे फॉर राइडिंग, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, 95 पे अटका हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। अभी ब्रेक लिया था ड्रोन शॉट्स के लिए, धूप थोड़ी तेज हो रही है, तो इट्स टाइम टू टेक आउट माय सनग्लासेस। फाइनली कॉट अप विद द बॉयज, बिग बॉयज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे मैं फिर वहाँ रुक गया था, हाँ नहीं नहीं दोबारा नहीं रुका था, एक दो जगह रुका था कैमरा एंगल चेंज करने के लिए, फिर एक बार आपका लोकेशन देखा, मैंने कहा चलो 7 किलोमीटर है, मतलब है इसी रूट पे। एवरीवन गेटिंग गेट अप अगेन, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, लगभग 15-20 किलोमीटर और आगे जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाए पियेंगे, क्योंकि कुछ भी खा के नहीं आए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पीछा करते करते कुछ NS वाले आ गए, पल्सर NS,
छपरी राइडर्स क्यों कहते हैं? छपरा एक जगह का नाम है, मतलब मैं इससे जितना अंडरस्टैंड कर सकता हूँ वो ये है कि छपरा एक जगह है बिहार में, तो क्या जिनको हम छपरी राइडर्स या छपरी निकास कहते हैं क्या वो छपरा से आए हुए हैं? आई डोंट नो। कोलकाता 732 किलोमीटर्स, धनबाद 459 एंड सासाराम 169 और बनारस है 60 किलोमीटर्स। वी आर हाफ वे बनारस यार, भदोही आ गए हम लोग। भदोही गोपीगंज इज 1 किलोमीटर। हमारा डेस्टिनेशन आज का शायद गोपीगंज बन रहा है। वहाँ पे पहुँचते हैं, चाय पी के थोड़ा सा कुछ नाश्ता करेंगे क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं आए हैं, और बस फिर वापसी कर लेंगे। ओके, सो वी हैव कम टू दिस ढाबा और यहाँ पे अभी हम लोग चाय, पराठा, समोसे ये सब खाए पियेंगे। भैया लोग अभी बाहर गए हैं कुछ देखने वेखने को। हाईवे ख़त्म हुआ, वापस अपने शहर के बॉर्डर्स के अंदर घुस गए। जिस तरफ से निकले थे अपन राइड के लिए उसी तरफ से वापस लौट भी रहे हैं, रूट चेंज नहीं किया हमने। तो इट वॉज अ गुड राइड। पंगा ये हो गया कि मैंने किलोमीटर्स नहीं नोट किया कि कितने किलोमीटर्स कवर किए हमने। कोई बात नहीं, किसी ने तो किया होगा। तो रुकते हैं एक जगह, फिर पूछ के आपको बताते हैं कि कितने किलोमीटर्स कवर किए हमने। तो गाइज ये देखो, दिस इज मेला क्षेत्र। हम लोग शास्त्री ब्रिज के ऊपर हैं और यहाँ से जो मेले का नज़ारा दिख रहा है, मेरा बहुत मन है कि यहाँ रुक के ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का परमिशन है, नहीं है। पता कर लेंगे, अगर होगा तो फिर से आके उड़ा देंगे, ये कोई बहुत अपने घर से दूर नहीं है। लेकिन सीधा नज़ारा गाइज, दूर दूर तक मेले का पूरा आयोजन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जस्ट सी माई बाइक, आज लोडेड नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी सी इसमें कमी सी दिख रही है। चलो भैया लोग तो आगे निकल चुके होंगे, मैं ज़रा बस रुका था यही फुटेज कैप्चर करने को। देखो अभी मैं ऐसे चढ़ के भी आया, इसको लांग के आया। हाँ चलो जी, बैक ऑन द बाइक एंड बैक ऑन द रोड। ठीक है भैया, आपका नाम तो बताइए। नाम ही नहीं, अभिषेक। हाँ जी, अभिषेक। अभिषेक भैया, ओके। तो दिस इज रॉयल एनफील्ड मैकिस्मो। ये बहुत रेयर, मतलब बहुत कम लोग इसे वो करते हैं ना। और ये तो पता ही है RD 350 भैया की। तो अब यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं हम लोग, अपने अपने घर जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द राइड, बाय। राइड वॉज अल्टीमेट, बहुत मज़ा आया। सबसे पहली बात तो मौसम ने हम लोग का बहुत अच्छा साथ दिया, धूप थी थ्रू आउट, और सर्दी में अगर आपको धूप मिल जाए राइडिंग के टाइम पे तो भाई क्या कहने। फिलहाल तो वापस आ गए हैं। आज हम लोग ने लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच चलाया। एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है वो भी मैं भैया से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मैं अपना ऑडोमीटर देखना भूल गया था। मैं नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज करके बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ कल वाला व्लॉग एडिट करने थोड़ी देर के लिए। उसके बाद शाम को फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड करना होगा, तो शायद कहीं बाहर भी चलें। अगर चलेंगे तो लेके चलेंगे, आपको भी साथ में दिखाएंगे किधर जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैं व्लॉग एडिट करने जा रहा हूँ, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद।
अगु डिनर कर ली बेटी? अगु ने डिनर कर लिया है, हम लोगों ने भी सब ने डिनर कर लिया है। तो अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, आज के वीडियो को एंड करेंगे। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की राइड में सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आ गया, मौसम भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, टोटल फन। इसी तरीके की राइड्स और आगे प्लान करते रहेंगे। शिल्पी तुम्हें कुछ कहना है वीडियो को एंड करने के लिए? शिल्पी का गला खराब है। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो।